8 अगस्त की तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर जब पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र तोमर ने जय श्री राम का नारा लगाने की अपील की होगी और सांप्रदायिकता फैलाने के साजिश रची होगी, तब उसने ये नहीं सोचा होगा कि उसका हाल ऐसा हो जाएगा कि भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब स्थिति यही है, अगर एक बार सिस्टम अपना काम करने लगता है तो अच्छे से अच्छा दंगाई और फसादी बिल में दुबके हुए चूहों जैसा नजर आता है। और कुछ वैसी ही हालत पिंकी चौधरी और भूपेंद्र तोमर के समय दिखाई दे रही है। आज फिर एक बार दिल्ली की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है और पुलिस को नोटिस जारी किया है कि महामहिम पिंकी चौधरी कहां है, जिन्होंने नारा लगाया था कि भारत में तो रहना है तो जय श्री राम कहना है। कभी ये मंदबुद्धि दंगाई और फसादी इसकी बात नहीं करते हैं कि भारत में अस्पताल होना चाहिए, भारत में विद्यालय होना चाहिए, सड़कें और बिजली होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं और महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, और यहां तक कि हर मजदूर के पेट में अन्न और हर किसान के खेत में इतना अन्न उपजे कि उनकी जिंदगी चले, ऐसी कभी ये बात नहीं करते। हमेशा इनकी भावनाएं धर्म और फसादों पर टिकी होती हैं और उसी फसाद का हीरो बनने चला था पिंकी चौधरी, जो इस समय मेमना बना हुआ घूमा घूमा फिर रहा है। आज सुबह जब उसके घर पुलिस गई तो क्या हुआ, जरा एक बार नजर दौड़ाए। के साथ खड़ा हुआ ये वाला जो स्टाफ खड़ा हुआ है भाई भाई, तो फिर आप क्या हो रहा है यहाँ पे, लड़कियाँ हैं ना, और आपको एफबीआई में खड़ा रहता है, मैं आपसे तो बोल रहे हैं दिल्ली पुलिस को भी इतनी खड़ा है, नहीं बता रहे हो भैया, एक बात बताओ, तुम किसी के घर आ रहे हो तो तुम लेडीज पुलिस नहीं लेके आ रहे? लेडीज पुलिस नहीं लेके आ रहे, जल्दी भेज दो, समझ नहीं आ रहा है क्या भैया, नीचे आप यूनिफॉर्म नहीं हो, नीचे तो ठाठा मार के क्या करना चाह रहे हैं, नाम बताओ ना, पहन के आना यूनिफॉर्म पहन के आओ, लेडीज पुलिस लेके आओ, ठीक है, समझ रहे हो, वारंट दिखाओ, एक सेकंड वारंट दिखाओ, इतने ना वारंट ना कुछ, फेसबुक पे लाइव आ जाऊंगा सर, फेसबुक पे लाइव आ जाऊंगा सर, कॉपरेट तो कर नहीं रहे, भैया मैं कॉपरेट करो यार, आप अपने तो पहले लेडीज पुलिस बुलाओ, आ रही है हरकतें नहीं चाहिए मुझे यहाँ दादी, हम बहुत प्यार से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप नीचे जाइए, तो भाई आप नीचे चलिए भाई, आप बिना ठीक है, आप बुलाओ, जो यूनिफॉर्म में नहीं है प्लीज आप उनको हटाओ, जो यूनिफॉर्म में नहीं है उसको लेके जाओ यहाँ से, समझ आ रही है, हाँ तो आप इन्हें हटाओ ना, ये चार को हटाओ बिना यूनिफॉर्म वालों को, भाई मैं आपने देखा कि पिंकी चौधरी घर पर नदारद है, महिलाएं आगे हैं, महिलाएं बता रही हैं पुलिस वालों को कि ड्रेस पहन के आओ, एफआईआर लेकर आओ। जिस पिंकी चौधरी ने शेर की तरह गर्जा था जंतर मंतर से, वह भागा भागा फिर रहा है, अब क्यों नहीं आता है और कहता है कि हम हैं हिंदू हृदय सम्राट और हम हैं फसाद के सबसे बड़े नायक और हम हैं भगाने वाले इस देश से पाकिस्तान और अफगानिस्तान तय करने वाली ट्रेनों के हम हैं मालिक, आ जाओ भाई पिंकी चौधरी। हालत यही होती है जब अपनी पुलिस जज यानी सिस्टम सही काम करने लगे, न्यायालय और पुलिस जब भी काम करने लगता है सही, अपराधियों की खिड़की बचाती है, और वही स्थिति इस समय पिंकी चौधरी की है। बहुत साफ है कि अदालत का जैसा रुख दिखाई दे रहा है, बगैर पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी की अग्रिम जमानत याचिका जज देने को तैयार नहीं है, और जाहिर तौर पर यही डर कानून का राज कायम करता है, देश में शांति बरकरार करता है और अमन और बराबरी का माहौल बनाता है, जो हमारे संविधान की सबसे बड़ी बात है। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।